हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा घटनाक्रम उस समय हुआ जब जो पूरा यहाँ पर धरना चल रहा था, उसके लिए खाना लाया गया और सड़क पर ही खाने की जो लाइन है वो बिछाई जा रही थी। इसी बीच एसपी जो थे विकास, वो बातचीत करने के लिए नरेश मीणा के पास पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान जबरदस्त उपद्रव बोला और खुद उठ कर दूसरे छोर पर आए। वो देख रहे थे कि एक वाहन खाने के लिए लाया गया है, उसको आखिर आने क्यों नहीं दिया जा रहा। हालांकि पुलिस कर्मियों का कहना था कि खाने का वाहन जो है उसको जाने दिया जाएगा, लेकिन इसी दौरान जो नरेश मीणा के समर्थक है उन्होंने जबरदस्त भिड़ंत वहां पर पुलिस से की, पुलिस को धक्का मुक्की की, मारपीट वहां पर शुरू की। उसके बाद पुलिस को वहां पर सख्ती दिखानी पड़ी और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उसके बाद जवाब में जो नरेश मीणा के समर्थक थे उन्होंने वाहनों में तोड़फोड़ की, आगजनी की और पथराव जमकर पुलिस वालों पर किया। तो पुलिस ने यहां पर सख्ती दिखाई, आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठियां भांज कर जो उपद्रव मचा रहे थे उन खिलाफ मुकर सकते। कोई भी जानकारी मिल पाई अभी तक नरेश मीणा को लेकर वजाहत? जी फिलहाल इस पूरे मामले में अब तक बातचीत हमारी अधिकारियों से नहीं हो पाई, क्योंकि अधिकारी फिलहाल उनकी प्रायोरिटी ये है कि कैसे ना कैसे करके जो समरावता और आसपास के क्षेत्र हैं इनमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो बिगड़े नहीं, उसको पूरी तरीके से सुधारा कैसे जाए मौके पर मौजूद अधिकारियों की है। हालांकि जो उत्तरा विधेयक जिनको गिरफ्तार किया गया था उनको फिलहाल पुलिस अपने यहाँ से हिरासत में लेकर वाहनों के जरिए यहाँ से लेकर निकल रही है। मौके पर अभी एक घर के गाड़ी चेकिंग की जा रही है जहाँ ढूंढने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस द्वारा यहाँ पर सर्च लगातार चलाया जा रहा है, जो घरों में उपद्रवी थे कहीं छुपे हुए तो नहीं है, इसको लेकर पुलिस के जो जवान है, सीएस के जो जवान है वो लगातार यहाँ पर सर्च कर रहे हैं। सर्च ये भी किया जा रहा है कि कोई निर्दोष लोग हैं जो अंदर फंसे हुए हों, किसी तरीके की मुश्किल में हो, उनको मदद पुलिस के द्वारा दी जा सके, प्रशासन के द्वारा दी जा सके। इसके निर्देश भी पुलिस अधिकारियों और प्रशासन द्वारा दिए गए हैं कि जो घर है मकान है आसपास के जहाँ पर उपद्रव हुआ था बाहर निकाला जाए और सेफ स्थान पर उनको। जी नरेश मीणा एक प्रत्याशी है और उनका इस तरह से भाग जाना ये तो शोभा नहीं देता, क्योंकि आज ही न जाने कितने वोटर्स हैं जिन्होंने उनके समर्थन में भी वोट किया होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने का पूरा प्रकरण, मुख्यमंत्री वजूलाल शर्मा ने देवली घटना का पूरा अपडेट भी लिया है और मामले पर सख्त से सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा जो कि इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, पल पल की अपडेट वो खुद ले रहे हैं और सुबह से जब से ये वीडियो वायरल हुआ तब से मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा पूरे मामले को लेकर एक्टिव नजर आए हैं और अब मामले पर सख्त से सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इससे पहले समझा ये जा रहा था कि हो सकता है कि नरेश मीणा अपने समर्थकों से कहे कि आप इस तरह से झड़प ना करें, इस तरह से आप आगजनी ना करें, हो सकता है कि वो समझाइश करते नजर आए, पर इस तरह की कोई तस्वीर नजर नहीं आई, बल्कि इसके उलट, यानी कि जब प्रशासन के द्वारा हिरासत में लिया गया तो नरेश मीणा खुद ही वहां से भाग निकलते हैं, जो कि अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। मेरे साथ में ऐश्वर्य प्रधान जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, हिरासत से भाग जाना एक प्रत्याशी का अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए, यदि हिरासत से नरेश मीणा भागा है, नरेश मीणा ने हिरासत से भागे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो बात की बात है, लेकिन पहला मैं अपडेट आपको ये दे दूं कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार अपडेट ले रहे थे। जब ओम बिड़ला के पारिवारिक विवाह समारोह में पहुंचे तो उस वक्त भी उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली, अपडेट लिया और डीजीपी से बातचीत की। लेकिन सिस्टम के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि एक तरफ तो कुछ एक ग्रामीण जो भूलवश नरेश मीणा के समर्थन में या फिर क्योंकि उन्हें कानून की जानकारी नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है, तो ऐसे में जब कानून अपना काम कर रहा है और वो विरोध कर रहे हैं तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि उन ग्रामीणों को समझाए, लेकिन समझाने के बाद भी इस तरीके से पुलिस का सिर फोड़ देना, पुलिस के साथ मारपीट करना, क्योंकि चोट के जो विजुअल हैं पुलिस को वो सभी को दिखाई दे रहे हैं कि पुलिस को किस कदर चोट आई है और जो पुलिस कर्मियों के चोट लगी है वो किसी से छुपी नहीं है। और पुलिस कर्मी भी क्योंकि ये एक एसडीएम के थप्पड़ प्रकरण नहीं है, पूरी आरएएस एसोसिएशन, सचिवालय कर्मचारी एसोसिएशन और पूरी ब्यूरोक्रेसी अब एकजुट हो गई है इस पूरे प्रकरण के खिलाफ और उनकी यही मांग है कि नरेश मीणा को गिरफ्तार किया जाए। और जब उनकी ये मांग है तो सिस्टम भी अपने लिहाज से पूरे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि नरेश मीणा भी कानून का सम्मान करे और उसी कानून के आधार पर जो कार्रवाई हो उसे स्वीकार करे।
हालांकि हिरासत से भागे जाने की खबर है, और यदि वो हिरासत से नरेश मीणा भागे हैं तो ये इस पूरे मामले को मेरे ख्याल से, जो मेरे पास जानकारी है, बेहद सख्ती से निपटा जाएगा सरकार की तरफ से, क्योंकि मुख्यमंत्री देर रात, इस वक्त टाइम हो रहा है लगभग 12 बजने को है, 12 बज ही गए हैं ये मानकर चलिए, और मुख्यमंत्री अभी तक भी डीजीपी से, आईजी से पूरा अपडेट लिए हुए थे, कन्हैयालाल चौधरी से बातचीत की है जो इस जिले के मंत्री भी हैं, और इस क्षेत्र के हीरालाल नागर भी इसी क्षेत्र से आते हैं जो चुनाव में जिम्मेदारी निभा रहे थे, और संगठन के लोगों से तो अपडेट आती है वो अलग बात है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पूरे सिस्टम को कहीं कोई ऐसा मैसेज ना जाए जिससे कि सिस्टम में नाराजगी हो। तो दो टूक मैसेज है, और ये तय मानकर चलिएगा कि इस पूरे घटनाक्रम में कितनी भी सख्ती से निपटा जाए सरकार निपटेगी, जो मेरे पास जानकारी आई है, और इन सब लोगों के खिलाफ और भी जो लोग इस तरीके से आगे आए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाएगी, ऐसा मेरे पास जानकारी है, क्योंकि यहाँ पर आरएएस एसोसिएशन का साथ देने के लिए कर्मचारी एसोसिएशन भी आ गया है, और कर्मचारी एसोसिएशन के अलावा दूसरे हो सकता है कि जो दूसरी एसोसिएशन हैं वो भी समर्थन में आए, क्योंकि इसे सिस्टम पर प्रहार के तौर पर देखा जा रहा है, ये एसडीएम की कोई जाति नहीं होती, क्योंकि वो भी सरकार के अंग है, कोई भी सरकारी कर्मचारी होता है, अधिकारी होता है, उसकी कोई किसी तरीके से जाति नहीं होती है, और वो सिर्फ और सिर्फ सरकार का अभिन्न अंग होता है, वो किसी भी परिवार का हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिसकर्मी जिनकी पिटाई हुई है या जिनके ऊपर पत्थर बरसाए गए हैं, उनके भी घर हैं, परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी जान माल को खतरा था, लेकिन इस तरीके से पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाना, पुलिस के ऊपर प्रहार करना, ये भी बड़े सवाल खड़े करता है। ऐश्वर्य, अब से 5 घंटे पहले एक वीडियो जारी किया गया, और उस वीडियो के अंदर सभी को न्योता दिया गया कि भाई चुनाव प्रक्रिया जब हो जाती है तब आप सभी आ जाइए, धरना शुरू होता है, प्रदर्शन किया जाता है, और प्रदर्शन इतना ज्यादा होता है कि उन्हें हिरासत में लेना पड़ता है, क्योंकि लाठीचार्ज जैसी, पत्थरबाजी जैसी स्थिति, जैसा आप भी बता रहे हैं, वाकई में बेहद गंभीर तस्वीर वहां से सामने है, और उसके बाद में प्रशासन से ये हो सकता था कि वो अपील करते हैं कि मामले को शांत किया जाए, क्योंकि अभी सिर्फ धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है आसमान में और कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसी बीच वो भाग जाते, क्या मैसेज देंगे वो जनता को, वो क्या सेवा करेंगे जनता की? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास ये कहा जाए तो जब से सरकार बनी है, एक साल में इस तरीके का पहला वाक्य आया है, ऐसा घटनाक्रम है जो अपने आप में हालांकि चुनौती है, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से, वरिष्ठ पार्टी के नेताओं से भी उन्होंने मंत्रणा की होगी, जो मैं जहां तक सोचता हूँ, क्योंकि मेरे जो सोर्सेज है वो यही बयां करते हैं कि वरिष्ठ नेताओं से उन्होंने चर्चा की होगी, कोर टीम के नेताओं से भी, क्योंकि ये चुनावी माहौल है, सरकार ने बातचीत की होगी, मुख्यमंत्री ने अपने हिसाब से और मुख्यमंत्री अपने लिहाज से इस पूरे घटनाक्रम को निपटने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे चुके होंगे, और उसी नीति के लिहाज से कार्रवाई की जा रही होगी, और जो मुझे लगता है रात भर में इस पूरे मामले को खत्म कर दिया जाएगा, और जो आरएएस एसोसिएशन ने या कर्मचारी एसोसिएशन ने पेन डाउन हड़ताल की चेतावनी दी है, वो शायद हो सकता है सुबह उठते ही उनके लिए खुशखबरी आए, क्योंकि सभी लोग अभी सो रहे होंगे, देर रात तक उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और जो मेरे पास जानकारी यही है कि जो वरिष्ठ नेता हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके पास अपना एक लंबा तजुर्बा है, या रिटायर पुलिस अधिकारी हैं या फिर अधिकारी हैं, उन्होंने भी कोई ना कोई सुझाव सरकार को इस पूरे मामले में दिया होगा, क्योंकि ये एक बड़ा घटनाक्रम है, और इस घटनाक्रम से निपटने के लिए सरकार अच्छे से जानती है कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम पर प्रहार है, और सिस्टम पर जब प्रहार होगा तो उसका, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो इस मामले में अपनी बात कहना चाहेगा तो वो यही कहेगा, क्योंकि वो जो विजुअल है वो अपने आप में सबसे बड़ा प्रूफ थे, जो दोपहर में हर एक व्यक्ति के मोबाइल में और टीवी चैनलों पर दिखाए गए, वो अपने आप में एक बड़ा सबूत था, उस सबूत के आधार पर ही सरकार के सामने है सारी कहानी, पुलिस कर्मियों के सिर फूटे हुए हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी देर बाद तस्वीर सामने आएगी, और नरेश मीणा का हिरासत से भाग जाने की जो खबर है उसकी पूरी तरीके से पुष्टि थोड़ी देर बाद हो पाएगी। बिल्कुल ऐश्वर्य, लेकिन जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि नरेश मीणा पुलिस हिरासत से फरार है, ये तो इसी ओर संकेत देता है कि कल जो स्थिति है और भी ज्यादा उग्र हो सकती है, यानी कि और भी ज्यादा समर्थक जुटा सकते हैं वो। देखिए, और भी ज्यादा समर्थक जुट सकते हैं, और मेरे सामने की तरफ, क्योंकि इस क्षेत्र की तरफ अगर मैं बात करता हूं तो हम आपको फोन लाइन से जुड़वा रहे हैं, और हम अपना फोन लेकर जा रहे हैं, मंत्री हैं,
जो मेरी दृष्टि पड़ी है मंत्री जी पर, के विश्नोई, उनको मैं जोड़ रहा हूं। और के विश्नोई के अलावा यहां जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो श्रवण सिंह बगड़ी भी हैं। मैं विश्नोई जी, हमारी एंकर आपसे कुछ सवाल करेंगी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। मुख्यमंत्री आला की नजर बनाए हुए हैं पूरे घटनाक्रम पर, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया पर। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, वाकई में दुखद तस्वीरें हैं। पत्थरबाजी, आगजनी जैसी घटनाएं होना, क्या लग रहा है, क्या कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए पूरे मामले पर, क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? हाँ बिल्कुल, घटना पर पुलिस पूरे तरीके से तैनात भी है और आला अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंच चुके हैं और स्थिति पर मुख्यमंत्री भी पूरा नजर रखे हुए हैं और उसको पूरा मॉनिटर किया जा रहा है। बड़ा ही दुखद घटनाक्रम हुआ है, ये आगजनी, कानून व्यवस्था बिगाड़ना, कानून को हाथ में लेना सरासर गलत है। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो भी मुलजिम है उनके खिलाफ। सर, जो जनता सुबह अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही थी, आज वही जनता